नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूँ आप सबका और एक नया वीडियो में। तो यार गैस, आज मैं जा रहा हूँ रामरेखा और आप लोग ब्लॉग में बने रहेगा, बहुत मज़ा आएगा। तो अभी सीधे निकलता हूँ बाइक में, फिर आप लोग को पूरा बात बताता हूँ कहाँ कहाँ जाना है, क्या करना है। मेरे साथ में जाने वाला है आशीष भाई, नीलकंठपुर का है। तो मैं नीलकंठपुर आ गया हूँ आशीष के पास। ये आशीष का घर है, चलें। तो गैस हम लोग नीलकंठपुर से निकल रहे हैं, ये गली गली रोड। अच्छा, यहाँ निकाल दिया है ना। तो गाइस, मैं पहुंच चुका हूं जसपुर रामरेखा जाने के लिए। तो आप ये रोड देखो कितना अच्छा है यार, इधर का रोड। आगे है गमहरिया, गमहरिया से आके यहां पर बाला छापर पहुँच गया। और यहां पर थोड़ा सा रुके हुए थे नाश्ता करने के लिए। यहां पे रोड घुसा है, इसी में जाना पड़ेगा। बाला छापर से अंदर गया है तो इसी से अंदर जाना पड़ेगा रामरेखा के लिए। तो चलते हैं, चलो यार। चेकिंग तो चल रहा भाई, देखते हैं। यहाँ से इधर अंदर जाना पड़ेगा, जैसे कि आप देख पा रहे हैं यहाँ से रोड है। चेकिंग चल रहा है लेकिन हम लोग कुछ नहीं बोले, शायद बड़ी गाड़ी वाले को शायद चेकिंग कर रहे हैं। यहाँ मांदर लेके जा रहे हैं ऑटो में बेचने के लिए, सब वहीं जा रहे हैं रामरेखा मेला। आज रात भर वहाँ मेला लगेगा रामरेखा में। तो इधर से बाइक को भगाते हैं फुल पावर। जसपुर से लगभग 35 से 40 किलोमीटर की दूरी में रामरेखा है। बताते हैं वहाँ जब राम लक्ष्मण सीता जब वनवास के लिए निकले थे, रामरेखा में कुछ दिन तक रुके हुए थे। तो चलिए देखते हैं। और वहाँ रात भर मेला लगेगा और रात में शायद यहाँ पर गायक वायक लोग भी आते हैं, ऑर्केस्ट्रा टाइप से भी रहता है वहाँ। बोलते हैं चलिए जाके देखते हैं, जैसा भी होगा अब जाने के बाद ही तो पता चलेगा। दोनों तरफ से रोड है, दोनों तरफ से नहीं, चारों तरफ से रोड है। यहाँ पर लिखा है रामरेखा धाम 10 किलोमीटर, देख सकते हो यार। तो चलिए चलते हैं, अब ज़्यादा दूर नहीं बचा है रामरेखा, 10 किलोमीटर पीछे हैं अभी हम लोग। देख रहे हो गाइस कितना गाड़ी है, अभी तो रुको गाइस, रात होने दो, उसके बाद आप लोग को भीड़ दिखाता हूँ यहाँ का। बताइए बताइए, पर्ची काट रहे हैं, ठीक है। तो बाइक को आगे लेना है कि इधर रखना है? अच्छा, बाइक यहीं काट रहे हैं, रुक देना है ना, पकड़ो। कल तक है, आता है, रात भर रहे, रुकेंगे ना अभी। हाँ हाँ, अच्छा लेट रखे हो। अच्छा, ऊपर उधर पार्किंग के लिए बना है ना? हाँ बना है। वहाँ कितना ले रहे हैं? नहीं लगा, नहीं लगा। और देख रेख के लिए है वहाँ पर स्टाफ है। अच्छा, कुछ देंगे पर्ची वर्ची? अच्छा, इसी से ना, चलिए एक पर्चे को देना पड़ेगा उनको। नहीं, दोनों को दे जाएगा, एक गाड़ी में रहेगा। अच्छा अच्छा, चलिए ठीक। नंबर लिखेंगे ना लोग? नहीं लिखेंगे, सीरियल नंबर है, गाड़ी का नहीं। देख रहे हो गाइस, तो गाइस हम लोग आ चुके हैं रामरेखा, अभी जाएंगे उधर मंदिर है। अभी तो गाइस दिन है, अभी रात में तो फिर कि बहुत ज़्यादा भीड़ रहेगा, बहुत ज़्यादा भीड़, चलने के लिए भी जगह नहीं रहेगा। रामरेखा धाम का गेट और इधर से हम लोग जाएंगे चल के। तो गाइस हम जा रहे हैं अभी ऊपर मंदिर साइड साथ में। तो गाइस यहाँ पे है अग्निकुंड और नीचे जाकर दिखाते हैं आप लोगों को, ठीक है? चलते हैं आगे, नीचे नीचे नीचे।
आ जाओ। तो गैस अभी अच्छा अभी चंद्रमा ग्रहण है ना, तो गैस यहाँ के पंडित जी बोल रहे हैं कि चंद्रमा ग्रहण है तो अभी दर्शन करने नहीं जाएंगे। ये है अग्नि कुंड, राम सीता और लक्ष्मण जब यहाँ से गुजर रहे थे उस टाइम यहाँ पे लक्ष्मण जी आग जलाए थे, अभी दर्शन कर नहीं दिए तो आप लोग को मैं दिखा नहीं पाया। अग्नि कुंड में अभी भी तपता है, यहाँ पे कुछ दवाई बेच रहे हैं। ये क्या चीज़ है ये? गड़ूर फर। अच्छा गड़ूर फर, क्या काम आवेले? घर में खोज देवे सांप मन नहीं ढुके। अच्छा हाँ, और ये वाला महुआ बंदा? हाँ महुआ बंदा है। दुकानदारी बिजनेस सब में एक लगाना पड़े, मतलब दूरा में खोसना पड़े है? नहीं के डब्बा में रखे पड़े। अच्छा डब्बा में रखना पड़े। सिर्फ होते यार वो चाहो ठीक है डब्बा में रखे तो के काम लगे चल के तो बाजार हट जाते थे कौन जाबे और दुकान रखी चल दुकान में रखी। मुख्यमंत्री तो शादी जान देंगे हम लोग को, अभी तो वैसे भी ग्रहण है तो अभी अंदर वैसे भी घुसने नहीं देंगे, फिर भी जाके देखते हैं जो भी होगा देखते हैं। तो आप लोग वीडियो में बने रहिएगा। तो वैसे मंदिर के पास तो पहुंच गया हूँ, मेन मंदिर के पास, लेकिन अभी ग्रहण के चलते अभी गेट नहीं खुला है। ये है मेन द्वार, उधर से अंदर जाएंगे तो वहाँ पे मुख्य मंदिर है राम जी का। इतना मस्त लग रहा है ना, और ये राम रेखा धाम केवल एक ही के पत्थर में है ना भैया, एक ही के पत्थर में ना बना हुआ है, पूरा गुफा है। इधर बच्चे लोगों का खिलौना है, यहाँ पर आपको पूरा नाश्ता वास्ता पूरा मिल जाएगा, और इधर पूरा सिंगार पूरा बेल्ट वेल्ट मिल जाएगा आपको, यहाँ पे आप लोगों को गाना मिल जाएगा खाने के लिए, और यहाँ पे आप लोग को मिल जाएगा आदिवासी लोगों का पोशाक। ये क्या बोलते हैं इसको यार? ये है हमारे आदिवासी का टावल, रेशम से बना हुआ है दोस्तों ये वाला कपड़ा, तो देख सकते हैं अगर आप लोग आदिवासी हैं तो यहाँ पर आकर के ले सकते हैं। उधर चादर मिल जाएगा, क्या वाला 450 बता रहे हैं यार, पर चीज़ बढ़िया है दोस्तों। आप लोगों को यहाँ पर मिल जाएगा ढेर सारा झारखंडी मिठाई दोस्तों, ये झारखंड का फेमस मिठाई है, देख सकते हो कितना सारा लगाए हुए हैं। आशीष यहाँ पे वो वाला क्या बोलते हैं यार, कौन सा बाजा बोलते हैं? ये देसी ढाक बाजा का बेस है। इतना सारा ढाक बाजा है कितने कितने का भैया? ऐसा देखना बजा के, तो यहाँ पे देख रहे हैं ढांग बजा बजा यार, तो देख सकते हैं गाइस यहाँ पे ढांग बजा मिल जाता है मेला में, बजाना यार बजा बजा बजा। शर्मा आ गया, इधर पूरा का पूरा बजा बजा रहे हैं यार, देख सकते हो। बात करेंगे जैसे क्या का रेट है इसका, क्या का रेट है? 7000 रुपया। अच्छा 7000 बता रहे हैं इसका। टीना का है क्या? टीना का है क्या? टीना का है वाला, तो ये देखते हैं बजा रहे हैं। अरे यार इधर सब सो रहे हैं, ओ मांदर किधर है मांदर? देखो तो 1000 आशीष बजा रहा है। आशीष बजा 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 ना, हाँ बजाओ बजा बजा। मेरे को तो बजाना नहीं आता है। और ये कितने का है वाला? लकड़ी का है, तो गैस इसके बता रहे हैं 5000 रुपये। तो गैस यहाँ पर है गंगा कुंड, देख सकते हो आप लोग,
इधर से लेके यहाँ तक है। जब सीता माता को यहाँ पर पानी प्यास लगा था उस टाइम राम जी ने तीर मारे थे, तीर मार के यहाँ पे पानी निकाले थे। यहाँ पर तो थोड़ा सा जगह है लेकिन आगे जय श्री राम, जय जय श्री राम। आगे देख रहे हो साइड 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 आ रहे यहाँ पर बहुत सारा तलवार मिल जाएगा, अभी जाके देखते हैं अंदर कैसे ये है। तलवार तलवार देख रहे हैं इधर बहुत सारा मिल जाएगा, चाकू छुरी तलवार बटन चाकू भी है। तो कैसे ये है गुप्ती, अभी धार नहीं है इसको धार कराना पड़ेगा अगर लेते हैं तो। तो गैस ये है बटन चाकू दबाऊं, ये है लाख ठीक है, फिर अब इसको दबाना पड़ेगा, दबाना पड़ता है ऐसे। ओ क्या हो गया, लाख था, लाइट पीछे करो, देख रहे हो कैसे खुलता है। लेकिन हम लोग इसको नहीं ले सकते छत्तीसगढ़ में, बहुत बड़ा लफड़ा हो जाएगा। भैया आप लोग कहाँ से हैं भैया? झारखंड के ही हैं, रांची से, रांची से, इसलिए पूरा ना पूरा गांव नहीं बता रहे हैं क्योंकि कैमरा चल रहा ना इसलिए। भैया कितने का है वाला? 350 का, देख रहे हो यहाँ पे है दोस्तों अग्निकुंड। दिन में दिखा नहीं बैठा, अभी चलिए गर्म है देखते दोस्तों, अभी भी हल्का हल्का गर्म लग रहा है अग्निकुंड में, देख सकते हो अग्निकुंड में मोबाइल गिर गया है दो जन का, या तो चढ़ाव किए होंगे पता नहीं कैसे। चलता हूँ नीचे। तो गाइस हम लोग अब निकलते हैं घर यार, आज मेला था तो हम लोग उतना आप लोग को दिखा नहीं पाए, देख रहे हो कितना मोटरसाइकिल है यहाँ पर, तो चले। तो बस दोस्तों हम लोग जाते हैं घर, आप लोग को राम रेखा मेला वाला वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, एंड आप मेरे चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा इसी तरह से वीडियो देखने के लिए। बाय बाय। राम रेखा किनारे कर थी, इधर खड़ा कर देता हूँ। यहाँ पे चेकिंग करा लेते हैं, छत्तीसगढ़ पहुंच गया ना। छत्तीसगढ़ वाले वैसे भी लाना नहीं चाहते हैं इधर। चलो उतना कुछ नहीं बोले, हम लोग कपड़े नहीं अट रहा है तो हथियार कहाँ से लाएंगे सर बैग में।